बिग बॉस की अदालत में निकी से हुए तीखे सवाल, निकी तंबोली ने दिया खुलकर जवाब। वेल, बिग बॉस के घर में इस समय बिग बॉस की अदालत चल रही है, जिसमें निकी तंबोली कटघरे में खड़ी हैं, अपने ऊपर लगाए गए जनता के आरोपों का जवाब देती दिख रही हैं। वहीं जज बनी फराह खान की मौजूदगी में निकी से जर्नलिस्ट चारुल मलिक ने सवाल पूछा कि किस शुरुआत में आप जबरदस्त एंटरटेनिंग और एनर्जी से भरी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आप में वो जज्बा और जुनून नहीं दिखाई दे रहा है। इसके जवाब में निकी तंबोली ने कहा कि यकीनन वो जब आई थी तो वो किसी को नहीं जानती थी और वो अपना इंडिविजुअल गेम खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे घर में रहते रहते वक्त बीता, दोस्त बनते गए, सबकी बात सुनती गई और हाँ में हाँ मिलाती गई, और शायद अब मेरा गेम लोगों को ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आगे से ये घर घर खेलना बंद कर दूंगी। इसके बाद जर्नलिस्ट अमित त्यागी ने सवाल किया कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना फैसला लेती हैं, कोई आपकी स्ट्रेटेजी है? जिस पर निकी ने कहा कि मेरी बचपन की आदत है, मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ। इन सवालों के बाद जज बनी फराह खान ने निकी तंबोली की तारीफ करते हुए कहा, ये घर में जो भी बोलना होता है मुंह पर बोलती है, किसी भी सदस्य के पीठ पूछे बुराई नहीं करती है। राहुल के साथ टास वाली हरकत को अगर नजरअंदाज कर दे तो निकी ने अब तक घर में सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग सदस्य है। बात जब दोस्त बनाने की उठी तो अमित ने कहा कि आप कहती हैं कि घर में काफी दोस्त बन गए हैं, तो घर का कौन सा ऐसा सदस्य है जो आपका दोस्त अब तक नहीं बन पाया है? जिस पर निकी ने फौरन रुबीना और अभिनव का नाम लिया और ये भी बताया कि वो मेरे टाइप के नहीं हैं, पर दोस्ती अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं एजाज को नीचा कहने के लिए फराह ने निकी को फटकार भी लगाई और जान के साथ निकी के रिश्ते को लेकर भी सवाल किए, जहां निकी ने बताया कि वो उनकी दोस्त भले है लेकिन जान पर वो भरोसा नहीं करती है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत की कार्रवाई पूरी होने के बाद किस सदस्य के बारे में अदालत क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।